चेक कर लेना अपने आप को, देख लेना अपने आप को, आंखें बंद करके बैठ जाना और एक सवाल अपने आप से पूछना कि मैं सम्राट हूं या मैं भिखारी। जीवन में मैं कौन सी कंडीशन में आकर के बैठा हूं, मैं खुद सम्राट बन सका या जीवन भर भिखारी बन के पूरा जीवन बिता दिया। है क्या मेरे पास, प्राप्त क्या किया मैंने, क्या हासिल कर पाया जीवन में, ये मनुष्य जीवन को पाकर के, ये मानव भाव को पाकर के, इतना अद्भुत जीवन पाकर के मैं बना क्या, सम्राट बना या भिखारी बना। बाकी जितने भी भव है सब भिखारी बनने के लिए है, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते बराबर कान खोल के सुन लीला, ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो मानव भव है वो सम्राट बनने के लिए। हमें अपने आप से खुद से एक सवाल करना है, खुद से एक सवाल उठाना है, हम सम्राट है या हम भिखारी। पूछिए अपने आप से, ये मानव भव पाकर के मैं सम्राट बना या मैं भिखारी बना। मैं बना क्या, सम्राट बनने के लिए यह मनुष्य जीवन है, सम्राट बनने के लिए यह मानव भव है, और यहां आकर के भी हमारी हरकतें भिखारी जैसी हो तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी तेरा व्यर्थ चला जाएगा। पूरा दिन करते क्या है, सुबह से शाम मांगते रहते हैं और करते क्या है, प्रभु के पास गए वहां भी कुछ मांग लिया, गुरु के पास गए वहां भी कुछ मांग लिया, और कोई सगे नहीं संबंधियों के पास गए वहां भी कुछ मांग लिया, जहां जाते हैं वहां मांगने के अलावा कुछ काम नहीं करते, परिवार जनों के पास बैठते वहां भी हम कुछ मांग लेते, जहां जाते हैं वहां मांगने का काम करते। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर कान खोल के सुन लेना, जो हमेशा मांगने का काम करे वो भिखारी, और जो हमेशा देने का काम करे वो सम्राट। जो हमेशा मांगता रहे, जहां जाए वहां कंप्लेन, जहां जाए वहां शिकायतें, जहां जाए वहां उसको कमी महसूस होती हो, मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला, जहां जाओ वहां यही बात आपके चित्त में, आपके जहन में, आपके मन में चलती रहती हो, तो समझना आपसे बड़ा भिखारी है संसार में कोई। यह मनुष्य जीवन सम्राट बनने के लिए, और इसलिए शास्त्रों में बड़ी अच्छी परिभाषा लिखी है, कहा कि जो संतुष्ट है वो सम्राट है। सम्राट कौन, हम कैसे जाने कि हम सम्राट है या हम भिखारी है। कहा कि जो संतुष्ट है, यह संसार में जो भी मिला है उसमें जो संतुष्ट है वो सम्राट जैसा जीवन जी सकता है, और जो हमेशा असंतुष्टि की भावना में रहता है उससे बदतर भिखारी है संसार में कोई। आप चेक कर लेना अपने आप को, देख लेना अपने आप को कि ये मानव जीवन, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मैं सम्राट बन पाया या मैं भिखारी बना। बना क्या मैं जीवन में, क्या कुछ हासिल कर पाया, संतुष्टि का भाव मेरे भीतर में है या नहीं है, मेरे जीवन में संतोष नाम का गुण है या नहीं है, देख लेना, चेक कर लेना बराबर अपने आप। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि एक सवाल खुद से, बस शांति की बात हम कर रहे हैं लेकिन शांति आए कहां से, बराबर समझ लेना। आपके जीवन में शांति तभी आ सकती है जब आपके पास संतुष्टि हो, जब तक आपके पास संतुष्टि नहीं हो, संतोष नाम का गुण आपके जीवन में नहीं हो, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारे यहां बड़ी अद्भुत बात लिखी, चाह नहीं चिंता नहीं मनमा बेपरवाह, जिसकी कोई चाह नहीं जिसको कोई चिंता नहीं। बड़ी अद्भुत बात लिखी, समझना शब्दों के और गौर करना, चाह नहीं चिंता नहीं मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनशाह। यह संसार में सहनशाह कौन, यह संसार में मालिक कौन, यह संसार में सम्राट कौन, यह संसार में राजा कौन, कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनशाह, जिसको चाहिए वो भिखारी है। दूसरी पंक्ति को दिमाग में बिठा देना, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनशाह। आप शायद पद प्राप्त कर लो, आप शायद गद्दी प्राप्त कर लो, आप शायद साम्राज्य प्राप्त कर लो, फिर भी आप सम्राट नहीं बन पाते, जब तक भीतर से संतुष्टि का भाव न जगे तब तक आप सम्राट नहीं बन पाते। और शायद शरीर से बन भी गए, पद प्राप्त भी हो गया, साम्राज्य प्राप्त भी हो गया, फिर भी आप भीतर से गरीब के गरीब रहोगे, भीतर से भिखारी के भिखारी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोलकर बराबर सुन लेना,
एक ही सवाल अपने आप से पूछना है, मैं सम्राट हूं या मैं भिखारी हूं। हमेशा देने का भाव जगता हो तो आप सम्राट हो, हमेशा मांगने की भावना जगती हो तो आप भिखारी हो। आपके जीवन में संतुष्टि का भाव हो तो आप सम्राट हो, और आपके जीवन में हमेशा असंतुष्टि का भाव रहता हो तो आप भिखारी हो। आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, छोड़ सकते हो तो आप सम्राट हो, और आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो तो आप भिखारी हो। बराबर समझ लेना, अपने आप से पूछ लेना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।